दोस्तों नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज अरण्यक जब से आई है लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो चुकी है और जिस तरह से ये सीरीज एंड होता है दोस्तों लोगों के मन में काफी सवाल छोड़ जाता है कि आखिरकार नर तेंदुआ था कौन और क्या अंगद जिंदा है या नहीं। और सीजन 2 आएगा तो सीजन 2 में क्या होने वाला है दोस्तों, तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं शुरू से सीरीज एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं दोस्तों, मैं आखिरी के एपिसोड के उन आखिरी क्षणों के बारे में बताने वाला हूं कि क्या अंगद जिंदा है या नहीं दोस्तों, क्योंकि दो गोली उनको लगती है दोस्तों और ऐसा माना जा रहा है कि वो मर गए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से एंड में अंगद के बेटे को दिखाया जाता है और यहाँ पे नर तेंदुओं को भी दिखाया जाता है, यानी इसकी आशंका तेज है कि इस सीरीज का सीजन 2 भी कन्फर्म है कि वो जरूर आएगा। तो इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि अगर सीजन 2 आएगा दोस्तों तो क्या उसमें सबसे मेन कैरेक्टर को ही नहीं रखा जाएगा, यानी अंगद को नहीं रखा जाएगा दोस्तों। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसीलिए दो गोली लगी है उनको फिर भी बचाया जा सकता है, कस्तूरी रवीना टंडन बचा सकती है उनको। और ये कहना कि वो मर गए हैं बिल्कुल गलत होगा और सीजन 2 में वो वापसी करते हुए नजर आएंगे। वहीं एक और बड़ा सवाल दोस्तों जो सीरीज के एंड में हमें देखने को मिलता है कि आखिरकार नर तेंदुआ था कौन। तो मेरे हिसाब से अगर बात करो दोस्तों तो अंगद का बेटा ही वो नर तेंदुआ हो सकता है, क्योंकि एंड में ड्रग्स पेडलर ये बताता है अंगद को कि उनका बेटा जिंदा है और अभी वो कहाँ है इसके बारे में वो नहीं बताता, और एंड में दिखाया जाता है कि वो ड्रग्स सप्लाई कर रहा है और उसी के सीन के साथ, अंगद के बेटे के सीन के साथ ये हमें दिखाया जाता है दोस्तों कि नर तेंदुआ की परछाई पानी में दिखाई जाती है। और हमें वो जादुई मशरूम भी दिखाए जाते हैं दोस्तों जिनका कहानी में जिक्र किया जाता है कि उन मशरूम को खाने के बाद बड़े बड़े बीमारी जिसमें कैंसर भी ठीक किया जा सकता है, उसी में एक तालाब में हमें परछाई में दिखाया जाता है कि नर तेंदुआ अभी जिंदा है और वो कौन है उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता दोस्तों। तो ये बड़े कयास हैं कि क्या अंगद का बेटा ही असली नर तेंदुआ है या कोई और, ये तो हमें सीजन 2 में पता चल ही जाएगा दोस्तों। वहीं अगर सीजन 2 के आने की पॉसिबिलिटी की बात करूं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है सीजन 1 को, उस हिसाब से नेटफ्लिक्स इसका सीजन 2 भी ला सकती है जिसमें हमें कहानी और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी दोस्तों, जहाँ अंगद जिंदा होगा और क्या वो अपने बेटे से मिल पाएगा या नहीं वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। और नर तेंदुए को काफी ज़्यादा मात्रा में दिखाया जा सकता है क्योंकि सीजन 2 उसी पे बेस्ड हो सकता है, जैसा कि हिमाचल की पंचतंत्र की कहानियों में देखने को मिल सकता है। उसी के बारे में ज्यादा विस्तार करते हुए थोड़ा हॉरर टाइप की सीरीज बनाने की कोशिश की जा सकती है और ये हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगा। अभी कोई अपडेट नहीं है सीजन 2 को लेकर, जैसे ही अपडेट आता है दोस्तों मैं आपके सामने जरूर आके उस अपडेट को रखूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए।